नमस्ते, हेलो, नमस्ते प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मैं पोरबंदर मंडल से मंडल अध्यक्ष महेंद्र से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहले नोटबंदी हुई तब मध्यम वर्ग को डराया गया, फिर जीएसटी आया तो ये कहकर मध्यम वर्ग को भड़काया गया कि इससे मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी मार पड़ी है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि न केवल मध्यम वर्ग को उत्साह बढ़ रहा है बल्कि इसमें नियो मिडिल क्लास के लोग भी बहुत उत्साह से जुड़ रहे हैं। इससे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बैठिए महेंद्र जी, बैठिए। देखिए, मिडिल क्लास को उकसाने और भड़काने की इनकी पुरानी आदत रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि नोटबंदी के कुछ ही महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, जहां मिडिल क्लास समेत पूरी जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिला। इसी प्रकार जीएसटी लागू होने के कुछ महीने बाद गुजरात में चुनाव हुए, वहां भी हमारी सरकार बनी। व्यापारियों के गढ़ सूरत में हमें अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। निश्चित रूप से ये सफलताएं हमें मध्यम वर्ग और व्यापारियों के आशीर्वाद से मिली हैं। मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता है। सही मायने में यह वर्ग देश की रीढ़ है। मध्यम वर्ग देश के लिए बहुत कुछ करता है, बदले में उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद भी वो दशकों तक उपेक्षित रहा। परंतु हमने इस स्थिति को बदलने का निश्चय किया है। हमने वैसे कदम उठाए हैं जिससे मध्यम वर्ग को बल मिले, राहत मिले, नए पंख मिले। क्या किसी ने सोचा था कि 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा? वर्षों से यह मांग चली आ रही थी, लेकिन इसको पूरा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। हम सब जानते हैं कि मध्यम वर्ग का एक बड़ा सपना होता है कि उसका अपना घर हो। पहले घर खरीदना सपना ही रह जाता था, लेकिन सरकार के प्रयासों से न केवल होम लोन की ब्याज दरों में काफी कमी आई है, बल्कि अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर लगने वाले टैक्स को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। यही नहीं, एफोर्डेबल हाउसिंग में जीएसटी को 8% से घटा करके सिर्फ 1% कर दिया जाएगा। इसी तरह विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन लोन हो या फिर स्कॉलरशिप, हर प्रकार की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया है। हमारी सरकार से पहले मध्यम वर्ग को अगर किसी ने सबसे ज्यादा रुलाया है तो वो महंगाई दर रही है। लेकिन देखिए, जो महंगाई दर कभी डबल डिजिट में पहुंच गई थी, वो आज न सिर्फ काफी कम है बल्कि नियंत्रण में है। हर घर का हर महीने का खर्च कम हुआ है। इसी प्रकार दवा की कीमतों को कम करने का हमने गंभीर प्रयास किया है। जन औषधि केंद्रों पर दवाइयों को 50% से 90% तक कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं 1000 से अधिक दवाइयों को मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत लाया गया है। इसके अलावा स्टेंट की कीमतें और घुटने इम्प्लांट्स पर होने वाले खर्च में भी 50% से 80% कमी आई है। इससे सीनियर सिटीजन्स को विशेष रूप से फायदा हो रहा है। उन्हें राहत देने के लिए हमने कई और भी इंतजाम किए हैं। सीनियर सिटीजन के प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत ब्याज को हमने 8% निश्चित कर दिया है। जीएसटी से भी मध्यम वर्ग के लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। 40 लाख के बिजनेस ट्रेडर को अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिल गई है और 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को सिर्फ कंपोजिशन स्कीम में जुड़ना है। जाहिर है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर हमने मध्यम वर्ग से जुड़ी हर प्रकार की परेशानी को दूर करने का भरसक प्रयास किया है।